नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू मौर्य है और आप सभी का इन्वेस्टिंग विथ मौर्य जी चैनल के एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इस गिरावट को देख करके डरे हुए हैं, परेशान हैं। और आप सभी लोग जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर, जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है तो क्या हम वहाँ से पैसे को विड्रॉ कर लें। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों। तो सर, मंडे को एग्जिट पोल की जो आंकड़े आए थे, नतीजे आए थे, उसमें आपने देखा था कि बीजेपी की तरफ ये इशारा कर रहे थे कि बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है और मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे सरकार बनने जा रही है। इसको वजह से मार्केट में मंडे को बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। लेकिन कल जो हमने जो सोचा था, जो हमने प्लानिंग किया था, और कल का जो रिजल्ट आया है बहुत ही चौंकाने वाला था। हम बात कर रहे थे कि 400 के पार जाएगा, बीजेपी बोल रहे थे कि 370 सीटें केवल बीजेपी को मिलेंगी, लेकिन कल का जो रिजल्ट था वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। यहाँ पे बीजेपी जो है 240 पे जाके सिमट गई और जो एनडीए है यानी बीजेपी के साथ साथ जो इसकी सपोर्टिंग पार्टी हैं वो भी टोटल मिलाकर के 300 तक जाते जाते रुक गया। ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट सर हमेशा ये चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक मेजॉरिटी की सरकार बने, और मार्केट को ये पूरी पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी जो है बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी बड़ा क्रैश जो है मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला है। तो मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट आ रही है और हो सकता है कि आज भी मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है, तो क्या हम म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ से पैसे को हम विड्रॉ कर लें। तो सर देखिए, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोनों को एक साथ जोड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए और ना ही आपको मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट जो आ रही है उसको देख करके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें यहाँ से निकल जाना। तो जल्दीबाजी में यदि आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट का खेल है सर। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे काम करना है। सर एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा मौका आता है हमारे पास तो एक बड़ा डर के साथ हो आता है। अब चॉइस हमारी है कि हम डर का दामन थाम करके और उस मौके को हाथ से जाने देते हैं, या फिर हम उस डर को साइड में रख करके मौके को पकड़ करके और उसके साथ जाते हैं। यदि हम मौके को पकड़ करके उसके साथ जाते हैं तो फिर हमको काफ़ी बड़ा फायदा देता है। तो आज जो ये मौका है हमारे सामने, इतनी बड़ी जो गिरावट मार्केट में आई है, ये हमारे लिए मौका है कि हम यहाँ पे डरे नहीं बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। और इतने समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, SIP की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, SIP तो जो आपका कंटिन्यू है उसको आपको चलाते रहना है, लेकिन मैं लमसम की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें कि आप अपने पैसे को लमसम कर सकते हैं। जो भी फंड आपके हैं उसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। तो जो गिरावट मार्केट में आई है, क्या वो एक नई गिरावट है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखा करके मोटिवेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये गिरावट आज 2024 की गिरावट, सबसे बड़ी गिरावट, कोरोना के बाद एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 में, और बाकी जो इंडेक्स हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना के टाइम, यदि 2020 की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त फॉल किया था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलना चाहता हूँ। आपने कल की गिरावट देखी, इसके बाद 2020 में यदि आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद आप 2009 में भी आएंगे तो 2009 में भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन सर गिरावट के बाद क्या मार्केट उठा है क्या? तो आप देख सकते हैं कोरोना भी मार्केट गिरा था, लेकिन उसके बाद 2 से 3 साल में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। इसके बाद 2010 में भी, 9 में भी जब मार्केट क्रैश किया था उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऐसे कई बार मार्केट में गिरावट आई हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ आप देख रहे हैं। मार्केट का ये देखिए उतार चढ़ाव इस मार्केट का नियम है। कभी कभी मार्केट जो है कम गिरता है, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता है जिसकी हम उम्मीद तक नहीं लगा सकते। तो हमें इसको देख करके घबराना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, आप म्यूचुअल फंड के यदि इन्वेस्टर हैं
तो आपको ना टाइम यहाँ पर जरूर से अपना देखना है। आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्टेड हैं तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका रिटर्न जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर यदि आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ऐसे में जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में चल करके पैसा बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में चल करके आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो माइनस में नहीं जाता है बल्कि प्लस में ही रहता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो गिरावट आती है ये हमारे लिए मौका होता है, और इस गिरावट में हमें जबकि प्लानिंग करना चाहिए और पैसे को इन्वेस्ट करने की यदि हमारे पास पैसा है तो, जबकि यहाँ से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि हम जल्दीबाजी में अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर लेंगे और बाद में चल करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे और हो सकता है कि फिर दोबारा हम यहाँ पर लौट करके ना आए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेशली अभी बात किया जाए तो कि एनडीए की ही गवर्नमेंट यहाँ पे बनने वाली है, यानी मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ऐसा मार्केट में चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। तो सर यहाँ पर बस एक चीज़ ये होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और रह गई बात कि यहाँ पर अब बीजेपी मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना रही है, बल्कि अब क्या करेगी कि अब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो जो इसकी अलायंस पार्टी हैं, जो सपोर्टिंग पार्टी हैं, उनके साथ मिल करके तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद आगे ये काम करेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट में पिछले समय में भी क्रैश आया था, वहाँ से मार्केट उठा था। अब ऐसे में कुछ फंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम ICICI ब्लू चिप फंड की बात करें तो कोरोना में देख सकते हैं कि आप 2020 में कोरोना में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, उसके बावजूद भी 5 सालों में यदि देखें तो ये ब्लू चिप फंड ने 21.9% का रिटर्न्स दिया है। इसके बाद केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसने 18.83% का रिटर्न दिया है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं निपोन इंडिया का लार्ज कैप फंड, इसने 24.47% का रिटर्न दिया है। HDFC के टॉप 100 फंड की बात करें तो 21.04% का रिटर्न्स दिया है। तो आपको यदि इस मार्केट से रिटर्न बनाना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस मार्केट में चलती है। और म्यूचुअल फंड में स्पेशली यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमेशा मार्केट इसी तरीके से क्रैश करता है और लॉन्ग टर्म में चल के आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि आप पेशेंस रखते हैं सर तो आपको किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकता है उसको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने SIP कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 3,000 रुपये महीने की SIP हम कर रहे हैं और हम यहाँ पे 10 इयर्स का टाइम लेकर के चल रहे हैं और 15% का एक एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे आपने देखा कि 15% का रिटर्न यदि हम लेके चलते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा 3,60,000 रुपये और एस्टिमेटेड रिटर्न जो आएगा वो 4,75,000 रुपये आएगा, यानी कि टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 8,35,000 की बनेगी। अब यहाँ पर सर पेशेंस किस तरीके से देखिए काम करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप 10 साल की जगह आप यहाँ पे इसको 15 साल आप कर दें, ठीक है, थोड़ा सा आप इसके टाइमिंग को आप बढ़ा दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका 5,40 होगा लेकिन आपकी जो रिटर्न्स है वो कितनी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रही है, 14,90,000 आपके रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये होता है धैर्य की पावर जो कि म्यूचुअल फंड में काम करता है। तो इस समय जो भी मार्केट की कंडीशन है सर आपको इससे घबराना नहीं है, जल्दीबाजी में आपको यहाँ पर पैसे को निकालना नहीं है, SIP को कंटिन्यू करना है और लमसम आप कर सकते हैं। तो सर आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।